वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज रोशनी। और आज हमारे साथ है इंडियन आइडल 12 के बहुत ही चर्चित कंटेस्टेंट पवनदीप के पिताजी सुरेश जी। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। जी धन्यवाद। जी सुरेश जी, आप अपने बेटे को देख रहे हैं टीवी पे ऑन स्क्रीन, इतना सभी पसंद कर रहे हैं उनको, इंडियन आइडल इतना बड़ा मंच है, क्या कुछ महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, इतने लोग उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष, क्या विदेशों से भी लोगों के मैसेज आते हैं। बहुत खुशी होती है, एक बच्चे को इतने ऊंचे लेवल पे इतने लोग प्यार कर रहे हैं तो एक बाप के लिए बहुत प्राउड फील होता है। जी अच्छा लगता है। जी जी हमने देखा है कि अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही आपने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया वीडियो कॉल के ऊपर, फिर बहुत ही ज्यादा वीडियो में आप भी इमोशनल लगे, मॉम भी काफी ज्यादा इमोशनल लगी, ज्योति भी थे उसमें, कैसा माहौल रहा हम आपसे जानना चाहेंगे। जी इमोशनल लगते ही हैं, फिर बच्चा दूर है अपने से, एक अब बचपन से उसके यादें हमारे साथ जुड़ी हैं, अब बड़ा भी हो गया है तो फिर भी माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है, हमें चिंता लगे ही रहती है, तब इमोशनल हो गए थे। ये है अब पहली बार उसका बर्थडे भी, ये हम लोगों ने खाली वीडियो कॉल के थ्रू ही किया था इसलिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी पवनदीप की, बचपन की काफी सारी तस्वीरें देखी, उसमें अगर एक तस्वीर की बात करूं तो उसमें काफी छोटे हैं पवनदीप, और पूरा वो जो एक ऑथेंटिक लुक होता है उत्तराखंड वाला वो पहन के और तबले के सामने वो बैठे हुए हैं, बजाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक रुचि रही है वो क्या, क्योंकि जब वो पैदा भी हुए थे तो आपकी क्या कुछ मानसिकता थी, अपने बेटे को लेकर बहुत सारे सपने रहे होंगे, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, किसी भी पेरेंट्स का वही होता है कि बच्चा पैदा होता है तो प्यार करते हैं, अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे मार्क्स ले, कोई बड़ा ऑफिसर बने, नाम कमाए होता है। लेकिन पवनदीप एक अद्भुत बच्चा था, जैसे मात्र वो 1.5 साल का था जब चलना सीख रहा था, उसी समय हमारे घर में फोक सिंगर हूं मैं भी, मेरे भी एल्बम आते हैं, तो बड़े भाई साहब तबला बजाते थे, पवनदीप ऐसे कोहनी के बल गिर चुड़ के आता था, उसको कटोरे पकड़ाने पड़ते थे, नहीं तो वो चिल्लाता था चाहे हम 10 घंटे भी बैठे रहे तो वो कटोरे दे दो उसको, जैसे उसके ताऊजी बजाते थे तबला वैसे ही कटोरों में वो एक्शन करते रहता था। और मात्र कुछ 2 साल कुछ महीनों के प्लस महीनों में ही उसने परफॉर्मेंस देना मनसूबे शुरू कर दिया था। तो तत्काल जो हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे सूरज भान जी, श्री सूरज भान जी, उन्होंने भी उसकी कला को देख के बोला कि कोई पूर्व जन्म है, ऐसा कोई 2 साल का 2.5 साल का बच्चा शुद्ध 3 ताल बजा दे, एक थप थप करके बजाना अलग चीज है और शुद्ध मात्रा कायदे पलटे बजाना अचानक बिना गुरु के, कोई पूर्व जन्म हो सकता है बोला। तो पहला इनाम उसका 11,000 रुपये सूरज भान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने दिया था, काफी अच्छी खुशी होती है। हमने भी सोचा कि शायद बच्चा इसी क्षेत्र के लिए पैदा हुआ हो, पूर्व जन्म हो करके, ये था मेरा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो हम देखते हैं कि बहुत ही मासूमियत के साथ वो स्टेज पर गाना गाते हैं, बहुत ही मासूम सा चेहरा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बचपन से वो इसी तरह की शख्सियत रखते हैं या काफी शरारती हुआ करते थे बचपन के दिनों में। मैम यही तो खासियत है उसकी, बचपन से शरारती नहीं था। अब उसकी 2 बहनें हैं, एक ज्योति दीप का तो आपने छोटी वाली का लिया, उससे बड़ी एक चांदनी है, सबसे बड़ा पवनदीप ही है, मेरे 3 बच्चे हैं। तो बहनों के साथ कहीं छुटपुट करता होगा तो करता होगा, मेरी नजर में बिल्कुल शरीफ हुआ, एकदम ऑनेस्ट, बहुत गंभीर रहता था संगीत के प्रति, वो ऐसी शरारतें उसने नहीं की हैं। हाँ शरारत उसकी यही थी, एक बार वो 4 साल की उम्र का था मैम, शरारत नहीं कहेंगे, उसकी बचपना याद है मुझे, हमारे न्यू टिहरी में उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर थे नित्यानंद स्वामी जी, उन्होंने वहां पवनदीप के तबला वादन के लिए इनवाइट किया था,
तो सामने मेला था बहुत बड़ा, हजारों की भीड़ थी, सामने झूले झूल रहे थे बच्चे लोग, तो वो तबला वादन तो कर रहा है लेकिन उसकी नजर झूले पे थी। पापा मुझे बिठाओगे, पापा मुझे बिठाओगे। मैंने बोला पहले परफॉर्मेंस कर लो बेटा, जरूर ले जाऊंगा झूले में। ऐसी जिद पहली बार की थी उसने, बाकी शरारती तत्व तो ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं था बचपन से लेके अभी तक भी, नहीं देखता हूँ जी मैं। जी तो आप किस तरह का रिश्ता शेयर करते, क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि पिता के साथ बहुत ही गला सहमा रिश्ता होता है बेटे का, आप किस तरह से रिश्ता शेयर करते हैं उनके साथ? देखिए पवनदीप को एज ए फ्रेंड लेता हूं मैं तो, दोनों बाप बेटे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, दोनों बाप बेटे चलते हैं, फिर भी वो पापा हूं तो रिस्पेक्ट देता है, घबराता, मेरे पापा साथ में जी हैं, मैं एज ए दोस्त ही उसको डील करता हूँ, उसको कहीं पर ये महसूस ना हो मेरे पापा मुझे डांटेंगे मैं ये चीज कर रहा हूँ। गलत चीज तो वो करता नहीं है, अच्छे काम के लिए मैं डांटूंगा नहीं, हमेशा अच्छा करते रहता है, लेकिन मैं उसे एज ए फ्रेंड उसको डील करते रहता हूँ, उसका साथ देता हूँ। जी जी सुरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक रुचि रही है उनकी संगीत के प्रति, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका जो घराना रहा है उनमें ही काफी इंटरनली ये जो एक रुचि है संगीत को लेकर वो इनबिल्ट है, हम कह सकते हैं विरासत में मिला है पवनदीप को, तो ये जो एक रुचि है संगीत के प्रति कि उन्हें सिंगिंग करनी है, ये उन्होंने आपको कब जाहिर की? जी मैम, हमारे घराने में ही, अभी विरासत में ही लगा लीजिए अनुवांशिकता, कि दादा लोगों ने गाया, पापा ने गाया, मैंने गाया, पवन भी गा रहा है घर में, अब हारमोनियम तबला वगैरह साजबाज हुआ ही तो बच्चे की रुचि भी बढ़ती है। लेकिन वही हमारे पूर्वजों का जो अच्छे उस्ताद रहे होंगे, शायद वही पुनर्जन्म हुआ हो, कुछ इस प्रकार का लगता है मुझे। पवनदीप में वो हमारी जो मेहनत थी उसके रूप में आज पूरा भारतवर्ष प्यार कर रहा है, तो पवनदीप के रूप में हमें प्रसाद के रूप में मिला हो, कुछ ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो सुरेश जी, हम जाना चाहेंगे क्योंकि आपको पता ही होगा कि बीते दिनों हमने ज्योति का भी इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि इंडियन आइडल के आने वाले सीजन में वो भी इच्छा रखती है पार्टिसिपेट करने की, क्या इसके बारे में उन्होंने आपसे कोई बातें साझा की है? कैसा लगेगा आपको कि पवनदीप को ये कर ही रहे हैं इंडियन आइडल के इतने मंच पे, बड़े मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले सीजन में भी आपकी बेटी इस तरह से परफॉर्म करे तो? जी मैम, मेहनत कर रही है बच्ची, ज्योतिदीप भी खूब मेहनत कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा भारतवर्ष है, इसमें से बहुत सिलेक्टेड बच्चे ही लिए जाते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्योति को खुद पवनदीप का जो ये एपिसोड देखती है, तो पवनदीप के एपिसोड देख के उसको प्रेरणा मिलती है कि मुझे कितनी मेहनत और करनी है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, तो लगी हुई है। जी अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा मैम, अपनी तरफ से ज्योति करेगी पार्टिसिपेंट, मैं बहुत खुश हूँ। ज्योति पे भी वो चीज है जो मेरे पवनदीप पे क्वालिटी है, ज्योति भी लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, और इन दो बच्चों पे मुझे भरोसा है। हाँ, बीच वाली लड़की मेरी थोड़ा शर्मीली है, वो गाने से दूर भागती है लेकिन ज्योति और पवनदीप में ये हमारा नेचुरल गुण है, विद्यमान है। सुरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पवनदीप पहले भी एक शो जीत चुके हैं, हालांकि 2015 में वो शो जीतने के बाद जब उत्तराखंड के जो सीएम रहे हैं हरीश रावत जी, उन्होंने सम्मानित किया पवनदीप को, उन्हें उत्तराखंड यूथ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर से नवाजा भी गया, उस समय क्या कुछ मानसिकता रही आपके एज अ पिता, कितना गर्व महसूस किया आपने? मैम, एक यूथ ब्रांड एम्बेसडर माननीय हरीश रावत जी ने उस उनको ये प्रशस्ति पत्र दिया, बनाया, हम देखते थे, मैं न्यूज में पढ़ते थे कि विराट कोहली जी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं करके पढ़ते थे, मेरे बेटे का नाम भी उसमें जुड़ा, तो एक पापा को इससे बड़ा कि यूथ ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का है पवनदीप करके, तो खुशी होती है मैम। अभी भी इंडियन आइडल में हर सैटरडे संडे हम लोग देखते हैं, पवनदीप जैसे ही आता है एक बाप का सीना वैसे ही चौड़ा हो जाता है, मेरा बेटा देखो गा रहा है, लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं करके, बहुत खुशी मिलती है मैम, बहुत खुशी। जी जी, हाल फिलहाल में वो कोविड से भी उभर पाए हैं, जब उन्होंने आपको ये बात बताई कि वो संक्रमित हो गए हैं, तब क्या कुछ रिएक्शन रहा था आपका?
अरे मैम, हाथ पांव फूल जाते हैं कि एक तो ये न्यूज वाले बिना पूरी बात जाने ही अधूरी बातें करते हैं, कैसे कैसे फोटो लगा के पवन के लेटा हुआ है, पेशेंट है जैसा। जबकि मैंने वीडियो कॉल किया तो मेरा पवनदीप तो बहुत अच्छी तरह, जैसे हम आप अभी ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वैसे ही जी वो भी बात कर रहा था। मैंने बोला ये फोटो क्यों लगा रहे हैं, तब पवनदीप बोला था पापा लगाने दो, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद बताता हूँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है करके। ऐसी बात हुई, पवनदीप अच्छा खासा था। अब वो जो ये न्यूज वाले लगा रहे थे मैम की लेटा हुआ बिस्तर में, वो लगा के दिल तो दहलता ही है। हम लोग तो उसकी मम्मी और मैं पूरे नवरात्रि किए, मंदिरों में जाके पूजा की, जल्दी उसकी तबीयत अच्छी हो जाए भगवान करके प्रार्थना करते रहे रात भर। बिल्कुल। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कम लोगों को ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से बुलाया जाता है, परिवार वालों को भी वहां जहाँ शूटिंग हो रही है सेट पर आप नहीं जा पाते, दूसरे जो बच्चों के परिवार वाले होते हैं कोई ना कोई वहां मौजूद होता है, आप नहीं जा पाते, क्या दिल में ये मलाल रह जाता है कि आप मिस करते हैं? मिस तो बेशक करते ही होंगे आप और माता जी दोनों ही, लेकिन दिल में कितना मलाल रह जाता है? जी मैम, मलाल रहता है, ऐसा मलाल तो कुछ भी नहीं है। जो इंडियन आइडल वाले हैं, पवनदीप को हम लोगों के माँ बाप से भी ज्यादा अच्छा प्यार कर रहे हैं, उसको कोई कमी नहीं होने दे रहे। हाँ, जैसे मम्मी स्पेशल था, उनको बुलाया था, उससे पहले मुझे बुलाया था, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ले लेते हैं, दूर का है, एक तो हम उत्तराखंड में है मैम, और कोविड का ऐसा जी माहौल चल रहा है, आना जाना वो लोग और उनके पेरेंट्स हैं। तो अब जो फीमेल सिंगर्स हैं उनके साथ तो एक रहना जरूरी होता है, और जो मेल हैं उनके जिनके आते हैं तो उनके लोकल के हैं वो, या तो बंबई में रहते हैं वो लोग या वहीं नजदीक रहते हैं, तो शूटिंग के दिन वहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं। हम लोग उत्तराखंड से आने जाने में, और कोविड का माहौल भी है, दिक्कत भी है इतनी दूर से, जब मेन होता है उसमें जरूर बुलाते हैं वो लोग, तो हम लोग भी जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि सुरेश जी, मैंने आपसे बताया कि आने वाले एपिसोड में ड्यूएट सॉन्ग के तौर पर पवनदीप और अभिनेता गाना गाने वाले हैं, उनको लेकर काफी चर्चाएं रही हैं, मैं बिल्कुल मानूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपके आपको हंसी आती है या गुस्सा आता है? क्योंकि हालांकि दोनों ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैं न्यूज पढ़ता हूँ तो हंसी आती है, क्योंकि वो आर्टिस्ट है मैम। एक आर्टिस्ट जब तक अपने अंदर फीलिंग नहीं लाएगा, परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी आर्टिस्ट दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, अरुणिता अच्छा गाती है, वो भी अच्छा गाती है, अभी तो अपना कैरियर बना रहे हैं। ऐसे जो ये जी उठता, मुझे हंसी आती है, ये लोग तो जानते नहीं है, जिसके कलम से जो आ जाए वैसा बोल देते हैं। हकीकत ये है कि जो फीलिंग वाली बात कर रहा हूं मैम, मैं सिंगर हूँ, फोक गायक हूँ अपने उत्तराखंड का, मेरी बेटी भी फोक गाती है, ज्योति दीप। तो जब हम किरदार पे आते हैं तो साली का रोल मेरी ज्योति करती है, जीजा का मैं गाता हूँ। दोनों बाप बेटी होके भी साला जीजा वाला जब तक वो फीलिंग नहीं लाएंगे तो गाने पे वो चीज नहीं दर्शा। इसी प्रकार अरिंदा और पवनदीप दोनों अच्छे कलाकार हैं, वो फीलिंग लाते हैं तो तब प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उनका। ये लोग ये नहीं समझते, जी हाँ उनका हो रहा है, मुझे बहुत हंसी आती है। अभी बच्चे हैं वो, अभी कदम रख रखा है, सभी लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है उनको कि अपने मुकाम हासिल करें, दोनों अच्छे गायक बन जाएं, वो फ्यूचर की बात है, अभी तो कदम रख रखा है, तो उनका भविष्य बनना बाकी है। ये है जी और अगर जी दूसरे कंटेस्टेंट की बात की जाए तो पवनदीप की आशीष के साथ बेहद बनती है, दोनों ने इनफैक्ट काफी सारे गानों पर साथ में काम करना भी शुरू कर दिया है। पवनदीप ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि उन्हें आशीष के साथ वैसा बॉन्ड बनाना है जैसे हम नाम सुनते हैं विशाल शेखर का, और दूसरे जो अलग दूसरे काफी चर्चित ड्यूओ हम कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ जोड़ी उन्हें बनाने का है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड का जो कल्चर है वो उसे मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, जैसे पंजाबी और बंगाली के गाने जो होते हैं वो काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम में है, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? जय मैम, हमारा उत्तराखंड इतना प्यारा है, 33 कोटि देवी देवताओं देव भूमि कहलाता है,
यहाँ के कल्चर को तो लोग जानेंगे। पवनदीप इस पे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार करता है, पवनदीप ज्यादा पहाड़ों में ही रहता है वो, तो यहाँ का कल्चर भी हमारा कल्चर जैसे अन्य गाने हैं, पंजाबी गाने इतने सुपरहिट हो जाते हैं, हमारे उत्तराखंड के गानों को लगभग ही लोग सुन पाते हैं, तो इस बड़े मंच पे वो प्रस्तुत करेगा तो अच्छा रहेगा। उसके लिए मेरा भी आशीर्वाद है, सभी उत्तराखंड वासियों का आशीर्वाद है। साथ में आशीष जो है बहुत अच्छा बच्चा है, तो अपने छोटे भाई की तरह पवनदीप को मानते हैं, दोनों भाई मिलकर करेंगे तो आने वाला जनरेशन जो है इन दोनों की दोस्ती भी देखेंगे, इनके संगीत को पसंद करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़े। जी, कुछ दिन पहले हमने जुबीन नौटियाल जो कि बहुत ही जाने माने सिंगर है, आपने भी बिल्कुल उनका गाना सुना होगा, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हमने उनसे पूछा कि इंडियन आइडल में वो सबसे अच्छा उन्हें कौन लगता है, तो उन्होंने कहा कि पवनदीप बहुत ही ऑथेंटिक आवाज लेकर आया है और वो उत्तराखंड का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं, उन्हें पवनदीप की आवाज भी काफी पसंद है। तो ऐसे में जब इतने बड़े बड़े कलाकार पवनदीप को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक पिता के तौर पर क्या कुछ आपकी मनोदशा रहती है? बहुत अच्छा रहता है, हमारे जुबिन भाई ने हमारे उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हुआ है। जुबिन भाई के गाने के करोड़ों फैन हैं उनके तो, और उनको भी लगा कि पवनदीप पे वो पोटेंशियल है कि पवनदीप कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा है पवनदीप पे करके, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद पवनदीप को दिया। तो जुबिन भाई को भी मैं नमस्कार कहूंगा कि उनका आशीर्वाद पवनदीप के लिए बना ही रहे। बहुत अच्छा फील होता है मैम कि जुबिन भाई भी एक सच्चे कलाकार हैं, वो परखते हैं। मेरे लिए तो जितने ये 9 पार्टिसिपेंट हैं सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट है, सबका गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है, अकेले पवनदीप का नहीं, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, सब बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। आपस में सभी लोग एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ये पवन को मैं अगर बड़ा मानता हूं तो, और सामने सन्मुख प्रिया की अपनी क्वालिटी है, अरुणिता की अपनी गायकी है, दानिश की अपनी है, सवाई भाट जी जब आउट ऑफ रेंज जाते हैं जब वो खींचते हैं तो, और निहाल तावरो वो भी काफी अच्छे हैं, सब बच्चे कोई भी जीत सकता है मैम, इसमें नहीं कह सकते हम, लेकिन ये 9 के 9 बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है। अब जो भी जीते सबके लिए ऑल द बेस्ट ये है। जी और पवनदीप के कंपटीटर के बारे में आप कह रहे हैं, तो पवनदीप खुद ही अपना कंपटीटर है, खुद अपने जो परफॉर्मेंस देगा तो उसको सुधार के देना होगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। ये पवनदीप के लिए मेरी एडवाइस भी है कि बाकी एक से बढ़ के एक सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी तो चलिए हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने कहा है कि आप भी काफी सारे गाने गाते हैं, पवनदीप के तो आपने कई सारे गाने गाए होंगे, लेकिन आज बॉलीवुड स्पाई के जितने भी दर्शक हैं, पवनदीप के जितने भी सारे फैंस हैं, उनके तरफ से मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप पवनदीप के लिए आज अगर कोई एक गाना रखे तो वो प्लीज गो अहेड। मैं तो फोक सिंगर हूँ हमें तो चलेगा, हमें बस आपके सुनिए आवाज। हमारे उत्तराखंड का ही गाना सुना देता हूँ फिर मैं, समझ जी बिल्कुल में भी ना आए तो, क्यों हिंदी में कम गाता हूँ तो उत्तराखंड का फोक है। जी। मेरे पहाड़ी डान्यू माँ एगे बसंत हिमालयू माँ, मेरे पहाड़ी डान्यू माँ एगे बसंत हिमालयू माँ, नया नया फूल फुलिया की भली बहार, हरिया भरिया ऊंचा डणा रंगीलो पहाड़, मेरे पहाड़ी डान्यू माँ एगे बसंत हिमालयू माँ। ये था बहुत ही खूबसूरत रहा, मैं चाहूंगी कि जितने भी पवनदीप के सारे ही व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, अगर आपका उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, सभी लोगों को पढ़ना मेरा, पूरे भारत की जनता को, जितने लोग भी पवनदीप के फैंस, क्या जो लोग भी शो देखते हैं, वैसे तो
हर बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन फिर अपना करने के लिए पवनदीप को अगर आप अच्छा लगता है तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अधिक से अधिक वोट करें और पवनदीप को विजयी बनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार बना रहे। धन्यवाद।